हेलो दोस्तों, मैं कौशल भावना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं भावना क्लासेस में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोर्टुगीज यानी पुर्तगालियों का भारत में कैसे आगमन हुआ, कैसे उन्होंने अपने व्यापार को यहां पर बढ़ाया और कैसे कैसे उनका व्यापारिक अधिकार भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में चला तथा कैसे उसकी समाप्ति हुई, इस बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए वो थे डचेस। तो जैसे बोर्ड में लिखा गया है, डचों का भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार। देखिए, डच जो थे वे नीदरलैंड या जिसे हम हॉलैंड भी कह लेते हैं वहां के निवासी थे। यह भी यूरोप में आता है और हम लोगों ने क्रिकेट या फिर हॉकी में जरूर देखा होगा, नीदरलैंड की टीम हॉकी में बहुत बढ़िया है और ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की उनकी जर्सी पहनी होती है। तो नीदरलैंड के निवासियों को भी दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने की लालसा जाग उठी जब उन्होंने यह देखा कि यूरोप के इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन और पुर्तगालियों ने व्यापार से बहुत अधिक पैसा कमाया। तो यह भी दक्षिण पूर्वी एशिया या भारत में आकर व्यापार करने की इच्छा जताने लगे। पुर्तगालियों ने नए रास्ते की ढूंढ की, भारत में मसालों तथा अन्य कीमती चीजों का जैसे नील, सूती वस्त्र आदियों का व्यापार करके खूब पैसा कमाया। लगभग 100 साल तक, 1498 से 1598 तक व्यापार में अति लाभ प्राप्त किया पुर्तगालियों ने। इसी समय सन 1595 ईस्वी में पहला डच व्यक्ति कार्नोलियस हाउटमैन दक्षिण पूर्वी एशिया के सुमात्रा तट पर पहुंचा। तो मैं बोर्ड पर लिख लेता हूं, 1595 ईस्वी में पहला डच व्यक्ति कार्नोलियस हाउटमैन। पहला डच व्यक्ति कार्नोलियस हाउटमैन दक्षिण पूर्वी एशिया के तट सुमात्रा पर पहुंचा। देखिए, आपको अगर मैं मैप से समझाने की कोशिश करूं तो ये भारत का मैप मैंने लगाया है और ये जो है दक्षिण पूर्वी एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये दो चीजें यहां पर दिखाई गई हैं जो कि इस टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सुमात्रा का द्वीप ये है। तो इस रास्ते से होके सबसे पहले कार्नोलियस हाउटमैन सुमात्रा के द्वीप में पहुंचा। यहां पर कार्नोलियस हाउटमैन पहुंचा। तो सुमात्रा पहुंचने पर सुमात्रा के नजदीकी एक जगह है बांटम। बांटम के राजा से कार्नोलियस हाउटमैन ने एक संधि की, जो संधि 1602 में की गई तथा यह एक सफल संधि थी। इस बीच 1595 से 1602 ईस्वी तक काफी सारी डच कंपनियां दक्षिण पूर्वी एशिया में छोटा छोटा व्यापार करने में लगी हुई थी। तो इस संधि के सफल होने पर अनेकों डच कंपनियों को मिलाकर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल कंपनी बनाई गई। यानी कि 1595 से 1602 ईस्वी तक जब तक ये संधि हुई तब तक हर एक व्यापारी अपनी तरफ से व्यापार कर रहा था, एक अपनी छोटी छोटी कंपनियां बनाकर, जिसमें कि डचों को इतना लाभ नहीं हो रहा था, उन्हें कई सारे कर, चुंगी कर देना पड़ रहा था लोगों को। तो डच सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि जिसमें कई सारी कंपनियों को मिलाकर एक विशाल कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया और इसमें सारे व्यापारियों ने हामी भरी और एक विशाल कंपनी सुमात्रा द्वीप में बना दी गई। इस विशाल कंपनी को हॉलैंड सरकार की तरफ से 21 वर्षों तक व्यापार करने की अनुमति मिली थी तथा इस कंपनी में 17 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में पहुंचने पर यहां पर व्यापार करने का मकसद था कि डचों का ध्यान सिर्फ मसालों के व्यापार में था। इसी बीच पुर्तगालियों से डचों का बैर बना रहा तथा 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बायना नामक द्वीप छीन लिया। उस समय दक्षिण पूर्वी एशिया में अम्बायना द्वीप मसालों के लिए एक फेमस मंडी होया करती थी तथा जिसमें पुर्तगाली अभी तक व्यापार कर रहे थे। अब डचों ने 1605 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया और
यहां से व्यापार करना शुरू। डचों ने पुर्तगालियों के गढ़ भारत की तरफ को भी देखना शुरू कर दिया तथा 1605 ईस्वी में ही मसूलीपट्टम या जिसे मछलीपट्टम भी कहा जाता था वहां पर अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। आंध्र प्रदेश में एक तट है यहां पे मछलीपट्टम या जिसे पहले मसूलीपट्टम भी कहा जाता था इस पे पहली फैक्ट्री बनाई गई 1605 ईस्वी में। डचों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री पेतोपोली में बनाई जो कि उड़ीसा के किनारे पर एक तट है। इसके बाद 1610 ईस्वी में डचों ने अपनी तीसरी फैक्ट्री पुलिकट में बनाई जो कि तमिलनाडु में किनारे पर एक तट है पुलिकट। तो अगर हम इसे ध्यान रखें, अगर हम इस बात को रिपीट करें तो 1605 ईस्वी में डचों ने पहली फैक्ट्री बनाई जो कि मछलीपट्टम में थी, दूसरी फैक्ट्री पेतोपोली में बनाई और तीसरी फैक्ट्री 1610 ईस्वी में पुलिकट में बनाई तथा पुलिकट में डचों ने अपना मुख्यालय बनाया। इसी बीच डचों ने जकार्ता द्वीप को भी जीत लिया तथा यहां पर बैटेविया नामक एक शहर बसाया। तो ये सुमात्रा द्वीप था और ये जकार्ता द्वीप था, इन दोनों पे अब डचों का कब्जा हो चुका है। प्लस इस तट पर यहां किनारे पे तीन फैक्ट्रियां डचों की बन चुकी थी। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत के कई सारे तटों को जीत लेने के बाद डचों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली तथा पुर्तगीजों को भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से जाने के लिए विवश कर दिया। एक महत्वपूर्ण तथ्य है, 1653 ईस्वी में हुगली के निकट पर स्थित चिंसुरा में डचों ने अपनी कोठी स्थापित की। देखिए पश्चिम बंगाल में हुगली है, उसके नजदीक ही चिंसुरा नामक स्थान पर डचों ने अपनी पहली कोठी बनाई। यहां के राजा से डचों ने इसे किलेबंदी करने की अनुमति ली तथा पहली ऐसी कोठी थी जिसे डचों ने किलेबंद किया। चिंसुरा के डच किले को गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पे लिख लेता हूं गुस्तावस फोर्ट, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि डचों की जो कोठी थी उसे गुस्तावस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1653 ईस्वी में यह बनाई गई थी और हुगली के नजदीक चिंसुरा नामक स्थान पर बनाई गई थी। सन 1690 ईस्वी में जो मुख्यालय पुलिकट में था उसे बदलकर नेगापट्टम जो कि तमिलनाडु का एक तट है नेगापट्टम में अपना मुख्यालय डचों ने बनाया। तो पुलिकट से नेगापट्टम में डचों ने अपना मुख्यालय 1690 ईस्वी में बनाया। दक्षिण पूर्वी एशिया में डच मसालों का व्यापार करते थे तथा भारत में आने पर उन्हें सूती वस्त्रों के अहमियत का पता चला। भारत में डचों ने मसालों के बजाय सूती वस्त्रों के निर्यात में अधिक महत्व दिया। सन 1650 ईस्वी में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। कासिम बाजार पश्चिम बंगाल के तट पर ही स्थित एक महत्वपूर्ण मंडी थी जहां पर सूती वस्त्र या कपड़ों का निर्यात अधिक मात्रा में होता था। तो 1650 ईस्वी में कासिम बाजार में डचों ने अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की जहां पर डचों ने लगभग 3000 कारीगरों को मासिक वेतन पर रखा। आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिश कंपनी थी यह भी भारत आ चुकी थी तथा निरंतर भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए डचों तथा पुर्तगालियों से लड़ रही थी। धीरे धीरे डचों का एकाधिकार समाप्त होने लगा तथा ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश राज की स्थापना शुरू होने लगी। सन 1759 यानी कि 1759 में डचों तथा अंग्रेजों का एक युद्ध हुआ जो कि बेडरा का युद्ध नाम से फेमस है। बेडरा एक जगह है बंगाल में, यहां पे अंग्रेजों और डचों का एक युद्ध हुआ जिसमें कि डचों की हार हुई। इस पराजय के बाद डचों का व्यापार भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से पूरी तरह से समाप्त हो गया। लगभग 200 वर्षों तक डचों ने भारत एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार किया। इसी के साथ डचों का जो भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार तथा व्यापार संबंध थे यह हम समझ चुके हैं।
अब आगे आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे ब्रिटिशों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।